वेलकम बैक यूट्यूब चैनल बी एल हार्डवर्क ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको कि भट्टे के अंदर आग कैसे डाली जाती है, कि पहले वाले में वीडियो में दिखाया था मैंने कि जो सादा भट्टा होता है उसमें आग कैसे डाली जाती है। आज दिखाऊंगा कि हाइड्रो भट्टे में आग कैसे डाली जाती है। ये आप देख रहे हैं कि हाइड्रो भट्टा है, ऊपर से इसके अंदर लकड़ियाँ डाल रहे हैं। ये चिमनी है, तो ये चिमनी अभी शांत पड़ी हुई है, अभी कुछ ही देर में ये धुआं निकालने लग जाएगी। तो दोस्तों पूजा अर्चना करने का वीडियो मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता था, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो में की दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने अपने हाथों में मसाल लेकर के ठेकेदार के हाथों से हाइड्रो भट्टे के अंदर आग डाल दी गई है, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग डाली जाती है। एक एक मोरी होती है, जिन मोरियों के अंदर पहले से लकड़ी, तेल, सभी रबड़, सभी चीज़ की इनके अंदर पूर्ति की जाती है, फिर इसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो पूजा अर्चना का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाया, और आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक सभी मोरी के अंदर से ये आग डाल दी जाएगी, और इसके अंदर लकड़ियाँ उकड़ियाँ सभी भरी हुई है, तो ऊपर से भी लकड़ियाँ उकड़ियाँ भरी हुई है ऊपर तक। तो ये जब जलेगी तब एकदम से इसका आग का टेम्परेचर हाई होगा और ईंट पकना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इसको यहाँ से स्टार्ट किया है, तो इनमें ईंट पकने के अंदर लग जाएंगे कम से कम 3 दिन या 4 दिन। तो 3 या 4 दिन के बाद में ईंट पककर तैयार हो जाएगी, और कम से कम 15 या 16 दिन के बाद में यहाँ से निकासी स्टार्ट हो जाएगी। जो पक्की ईंटें होती हैं वो निकालना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक एक मोरी के अंदर आग दी जाती है, और मोरी छोटी बनाई जाती है, 3 रद्दा 4 रद्दा की ऊंचाई की मोरी बनाई जाती है, ताकि इसके अंदर आग मशाल अच्छी तरह से पहुंच चुके। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग डाली जा रही है। तो हाइड्रो भट्टे के अंदर ऐसे ही आग डाली जाती है, और सादा जो भट्टा होता है उसमें कुछ अलग प्रकार की थोड़ी थोड़ी ऊँचाई होती है, जो कि आप देख रहे हैं जितनी ईंटों की ऊंचाई है जो कम है। इसके अंदर 3-4 रद्दे के ऊपर ही ये दीवार चढ़ाई गई है, और सादा जो भट्टा होता है उसमें कम से कम 5 रद्दा 6 रद्दे की होती है दीवार। तो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये दीवार बनाई गई है। दीवार का साइज़ है 2.5 से 3 ईंट का, तो ये गिरने का भी डर हो जाता है। इसके अंदर ये कच्ची ईंट लगती है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये ईंट टूट जाती है, और ईंट टूट कर दीवार गिरने का पूरा डर रहता है। इसलिए इसको 2.5 से 3 ईंटों की ये दीवार बनती है, और आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सभी प्रकार के सभी मजदूर वर्ग और ठेकेदार वर्ग सभी के सभी इकट्ठे होते हैं, एक उत्साह होता है मन में।